अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा शलजम का पानी वाला अचार। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये तो ये मटर पुलाव के साथ, खिचड़ी के साथ, तहरी के साथ, पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा शलजम का अचार बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इसके लिए मैं पहले एक चटनी तैयार करूंगी, तो उसकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये एक बंच मैंने लहसुन का लिया है पूरा, और ये साबुत मिर्चें हैं 20 मिर्चें हैं। एक टी स्पून नमक, 2.5 टेबल स्पून ये राई है, मेरे पास ये पिसी हुई है। अगर आपके पास पिसी हुई राई नहीं है तो उसको पीसना पड़ेगा, ये चॉपर में पिसेगी छोटे वाले में। 1/2 टी स्पून काला नमक, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। नमक 1 टी स्पून, काला नमक 1/2 टी स्पून, 2.5 टेबल स्पून राई पिसी हुई। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप उसको पीस के डालें, क्योंकि इसमें भी ये पिसती नहीं है। अब इसको मैं पीस लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालूँगी 2-3 टेबल स्पून। ये चटनी मैंने इसकी तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। शलजम का अचार बनाने के लिए मैंने ये शलजम लिए हैं 1.5 किलो। जब भी शलजम का अचार बनाएं तो छोटे साइज़ की शलजम इस्तेमाल करें। इसकी कटिंग करूँगी मैं। ये आप देख सकते हैं मैंने शलजम की कटिंग कर ली, इतने मोटे होने चाहिए। ये सारे शलजम की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको बॉईल करूंगी। शलजम बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। ये गर्म हो गया है पानी, इसमें शलजम डालूंगी ये कटिंग हुए हुए। शलजम मैंने डाल दी है पानी में, इसको मैं 50% बॉईल करूंगी। शलजम को गलाने के लिए मैं रख रही हूँ इसको, थोड़ा सा मैंने खुला रखा है कवर इसका। 15 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे रख रही हूँ ताकि ये हाफ डन हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने शलजम गलाने के लिए रखे थे, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये देखें थोड़ी सी इसमें कसर है अभी। बस ये इतना ही करना है। अब मैं इसको छान लूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। शलजम को मैंने बॉईल कर लिया था 50%, और ये देख सकते हैं आप इसमें अच्छी हुई कसर है। 50% बॉईल किया है मैंने इसको। इसको मैंने छन्नी में रख दिया था, सारा इसका पानी निकल गया है। इसको मैं डिश में शिफ्ट कर लूँगी। शलजम मैंने डिश में शिफ्ट कर दिए हैं, ये मैंने चटनी बनाई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चटनी, 4 टेबल स्पून चटनी डालूँगी इसमें मैं। मिक्स कर देंगे इसको। इसको मैं स्पैचुला से कर रही हूँ, इसको प्लास्टिक के चमचे से या इस तरह के बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्टील के चमचे से करेंगे तो ये टूट जाएंगे। हाफ डन हुए हुए हैं ये, तो अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। चटनी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं कवर करके 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अभी ये किचन में ही रख रही हूँ 24 घंटे के लिए। अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ 24 घंटे के बाद। मसाला लगाने के बाद अचार को मैंने किचन में रख दिया था 24 घंटे के लिए। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह से ये डूब जाए। मिक्स कर देंगे इसको।
दो से तीन दिन मैं इसको धूप में रखूंगी ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार खट्टा वाला तैयार हो जाए। अचार को धूप में रखे हुए आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टीम सी आ गई है हीट की वजह से। सूरज की गर्मी और हीट की वजह से इसमें कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें गलावट भी आती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका ढकना हटा के, और आप देखें अचार कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये एक दिन मैं इसको धूप में और रखूँगी, दो दिन मैंने रखा है अभी इसको, और उसके बाद ये मज़ेदार सा अचार तैयार हो जाएगा। तीन दिन मैंने इसको धूप में रखा है और अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। बहुत आसान तरीके से बन जाता है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।